हमारे यहाँ के लोग तो बाबाओं की चमत्कारों की कहानियां सुन के ही बड़े हुए थे, फिर क्यों ना बाबा पर विश्वास करेंगे। जो बाबा बोल दें वो पत्थर की लकीर। आज हम ऐसे ही कुछ चमत्कारी बाबाओं के बारे में बात करेंगे। आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि हमें विश्वास करना चाहिए या नहीं। ट्रंप बाबा के भाषण ने तो हमारे गांव में तहलका मचा दिया है रे। बाबा जी ने अमेरिका में एक मीटिंग में बोला, कोरोना वायरस कीटाणुनाशक से मर जाता है तो क्यों ना कीटाणुनाशक इंजेक्शन लोगों में ठोका जाए। हमारे गांव के दो लोग ये खबर सुनने के बाद कीटाणुनाशक दवाई को इंजेक्शन में भर के अस्पताल पहुंच गए और डॉक्टर से बोले कि ट्रंप बाबा बोले हैं कि इससे कोरोना सही होता है तो फिर क्यों ना हमारे रिश्तेदारों को ये इंजेक्शन ठोको फटाफट और उन्हें घर जाने दो। डॉक्टर के मना करने के बाद भी ये लोग नहीं माने और डॉक्टर से बहस हो गई। चमत्कारी चुम्बन बाबा उफ असलम बाबा, इसने कोरोना वायरस से पहले हमारी बोली वाली जनता को बहुत लूटा। ये तो भगवान ही बन गए थे जो हाथ पर किस कर लोगों की सारी बीमारियां सही कर देते थे। अब आया कोरोना वायरस, लोगों में कोरोना के डर का बाबा ने जम के फायदा उठाया। लॉकडाउन में ही बाबा बने डॉक्टर और हाथ पर किस कर एक से दूसरे को कोरोना का आदान प्रदान किया। खुद तो अल्लाह को प्यारे हुए और साथ में लोगों को फोकट का कोरोना बांट गए। अब हम आते हैं अपने प्यारे योगा बाबा रामदेव पर, जो बहुत ही बड़े बिजनेसमैन साइंटिस्ट डॉक्टर बन गए हैं। बाबा ने तो सब बड़े बड़े डॉक्टर वैज्ञानिकों की टीम को धूल चटाकर सबसे पहले कोरोना की दवाई मार्केट में ला दी है, वो भी बिना किसी क्रिटिकल टेस्ट के। बाबा ने दावा किया है कि इस दवा से 7 दिन में 100% मरीज सही हो जाएगा। भक्तजनों बाबा से अनुरोध करो कि हम इस दवाई का लाइव टेस्ट देखना चाहते हैं, तो बाबा पहले कोरोना बीमारी लें और फिर अपनी दवाई से सही हो जाएं, जिससे पूरी दुनिया को विश्वास हो और सब इस दवाई का फायदा उठाएं।